आज के बॉलीवुड काउंटडाउन में बात करेंगे कि कैसे सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वालों के खिलाफ फाइल की गई भारी भरकम चार्जशीट। इसके अलावा अक्षय कुमार ने एक मूवी के लिए तोड़ा अपना स्ट्रिक्ट रूल, और साथ ही पाकिस्तानी एक्टर का कहना है कि शाहरुख ने किया उनका रोल कॉपी। नमस्कार, मैं हूं भाविका और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वायरल हुआ भुवन बाम का डीप फेक वीडियो। बीवी की वाइन से पॉपुलर हुए भुवन बाम का डीप फेक वीडियो इंटरनेट पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां वो अपने फॉलोअर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि वो टेनिस गेम में इन्वेस्ट करें। वीडियो का पता चलते ही भुवन बाम की टीम ने इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया और पुलिस में FIR दर्ज करवाई। अनंत राधिका की हल्दी फंक्शन में रणवीर सिंह हल्दी में नहाए हुए नजर आए। अनंत राधिका की हल्दी बहुत सारे सेलिब्रिटी ने अटेंड की, जहां रणवीर सिंह ट्रेडिशनल कुर्ते में बहुत ही चार्मिंग नजर आ रहे हैं। फंक्शन से निकलते वक्त रणवीर पूरे हल्दी में नहाए हुए थे, जिससे साफ पता चलता है कि उन्होंने हल्दी फंक्शन को कितना ज्यादा एंजॉय किया। डेविड धवन के रोमांटिक कॉमेडी का हिस्सा बनेंगे वरुण धवन। 12 जुलाई से अपने पापा की मूवी में शूटिंग शुरू करने वाले हैं वरुण धवन। वरुण धवन की ये फोर्थ फिल्म अपने फिल्म मेकर पिता के साथ है। रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि इसमें वरुण धवन के साथ लीड रोल में रहेंगी मृणाल ठाकुर। शाहरुख कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड। शाहरुख एंड सुहाना हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग फादर डॉटर बॉन्ड शेयर करते हुए आए हैं। हाल ही में इन्हें न्यूयॉर्क सिटी के एक कैफे में देखा गया, जहां ये कैश डेस्क पर अपनी बेटी के साथ नजर आए। बॉलीवुड के किंग खान ने स्किप किया अंबानीज की वेडिंग। 12 जुलाई को मुंबई में होने वाली है अनंत और राधिका की शादी, जहां कई बॉलीवुड स्टार उनकी फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं बॉलीवुड के किंग खान कहीं नजर ही नहीं आ रहे। शाहरुख को अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क में स्पॉट किया गया था। बताया जा रहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। पावल गुलाटी ने खत्म की शाहिद के साथ अपनी मूवी देवा की शूटिंग। एक्शन ड्रामा फिल्म देवा की शूटिंग ऑफिशियली रैप अप हो चुकी है, जिसमें वो एक कॉप का किरदार निभा रहे हैं। शाहिद और गुलाटी ने देवा में हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस परफॉर्म किया है। ये मूवी इसी साल अंत में रिलीज होगी। बैक टू बैक हिट देने के बाद शर्वरी बाग फूले नहीं समा रही हैं। बॉलीवुड की राइजिंग स्टार शर्वरी बाग ने बैक टू बैक दो हिट मूवी मुंजिया और महाराज की, जिसके लिए उन्होंने खूब तारीफ भी बटोरी है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सपना उनका इतनी जल्दी सच हो जाएगा। अब वो अपनी नेक्स्ट मूवी वेदा की रिलीज का वेट कर रही हैं। आयुष्मान खुराना का नया दिल को छू जाने वाला गाना हुआ रिलीज। रिपोर्ट्स की माने तो अखदा तारा के पॉपुलैरिटी के बाद आयुष्मान का नया गाना रहजा रिलीज हुआ। ये सॉन्ग का ट्रैक बहुत ही दिल को छू जाने वाला हार्ट ब्रेक सॉन्ग है। करंटली वो ग्लोबल रिकॉर्डिंग डील के लिए वार्नर म्यूजिक इंडिया के साथ पार्टनरशिप में है। उनका कहना है कि ये सॉन्ग बहुत ही रॉ और अनफिल्टर्ड है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की कुछ कैंडिड पिक्चर शेयर की रोहित शरफ ने अपनी आने वाली रोमांटिक फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की कुछ पिक्चर शेयर की है। अपने इंस्टा हैंडल पर रोहित शरफ ने कुछ BTS पिक्चर शेयर की। वहीं उनके को स्टार वरुण धवन ने भी कुछ BTS पिक्चर अपनी स्टोरी पर शेयर की है। कल्कि ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धूम, बनी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 2024। अपने रिलीज डे के 12th डे पर कल्कि की टोटल कलेक्शन हुई है 219.25 करोड़। कल्कि इस साल की सेकेंड फिल्म है जो 200 करोड़ के क्लब में एंटर हुई है। इससे पहले ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर ने कमाई 215 करोड़, जिसे पीछा छोड़ के कल्कि बनी इस ईयर की अब तक हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। क्या कल्कि की बराबरी करेगी राघव जुएल की नई मूवी किल। संडे को सक्सेसफुल कमाई करने के बाद मंडे को किल मूवी का टोटल कलेक्शन हुआ 1.30 करोड़। अपने रिलीज डे के 4th डे पर किल मूवी की टोटल कलेक्शन है 7.40 करोड़। अब देखना यह है कि क्या कल्कि जैसे कॉम्पिटिटर मूवी के बावजूद भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा पाएगी। कार्तिक आर्यन को लगा कि वो भूल भुलैया 3 में कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर रहे हैं। न्यूज 18 के साथ बातचीत में कार्तिक ने बताया कि चंदू चैंपियन के बाद जब वो शूट पर वापस लौटे तो उन्हें लग रहा था कि वो ज्यादा तो नहीं कर रहे, क्योंकि भूल भुलैया का कॉन्सेप्ट और स्टोरी एकदम ही अलग है। वो हर टाइम अपने क्रू मेंबर से पूछते रहते कि उनकी परफॉर्मेंस टू मच तो नहीं हो रही है ना। भूल भुलैया 3 में कार्तिक पहली बार विद्या बालन के साथ नजर आएंगे। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वालों के खिलाफ फाइल की गई भारी भरकम चार्जशीट। एज पर बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट्स, मुंबई पुलिस ने 1735 पेजेस की चार्जशीट 6 अरेस्टेड अक्यूज्ड और 3 वांटेड पर्सन के खिलाफ फाइल की है।
जिन्होंने अप्रैल में सलमान के रेसिडेंस के बाहर फायरिंग की थी। इस चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम है। अक्षय कुमार ने एक मूवी के लिए तोड़ा अपना स्ट्रिक्ट रूल। न्यूज 18 के साथ एक इंटरव्यू में सुधा कोंगरा ने बताया कि वो अक्षय के साथ तमिल मूवी का हिंदी रीमेक बना रही हैं। अक्षय ने उन्हें स्टार्टिंग में बता दिया था कि वो सिर्फ 8 घंटे ही काम करेंगे, लेकिन एक सीन इतना लंबा हो गया कि उन्हें 8 घंटे वाली पॉलिसी तोड़नी पड़ी, क्योंकि वो सीन शूट करना बहुत इम्पोर्टेंट था। पाकिस्तानी एक्टर का कहना है कि शाहरुख ने किया उनका रोल कॉपी। बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान एक्टर तौकीर नासिर ने क्लेम किया है कि शाहरुख खान ने अपनी मूवी कवि अलविदा ना कहना में उनका रोल कॉपी किया। नासिर का कहना है कि उनका पूरा का पूरा रोल पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल प्रवेश से कॉपीड है। नासिर ने और एलिगेशन लगाते हुए बोला कि करण जौहर ने उन्हें क्रेडिट तक नहीं दिया। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।